कल्पना कीजिए कि आप एक ऊंचे पर्वत पर खड़े हैं, जहां से समय का प्रवाह रहस्यमय तरीके से तेज हो जाता है और जिन कारणों से ये होता है उसका असर दूर सुदूर हिंद महासागर तक पड़ता है। पर बात सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं होती। यहां से आपको नजर आते हैं दुनिया के कुछ सबसे बड़े ग्लेशियर्स, जिनके बारे में आपने पढ़ा था कि वो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से सिकुड़ रहे हैं। पर कैसा लगेगा जब आपको पता चलेगा कि इसी हिमालय में एक जगह ऐसी भी है जहां ग्लोबल वार्मिंग का असर एपरेंटली नहीं दिखता, इस यहां ये ग्लेशियर्स कम होने की बजाय बढ़ रहे हैं। हिमालय की इन्हीं दो अद्भुत विसंगतियों के बारे में और डिटेल में जानेंगे इस वीडियो में आगे। एक्चुअली ये दोनों एनोमलीज कोई अलौकिक घटनाएं नहीं है, पर इनके पीछे ठोस वैज्ञानिक कारण है। दरअसल हिमालय पर्वत श्रृंखला, जो कि लगभग 2500 किलोमीटर लंबी है, दुनिया की सबसे ऊंची प्राकृतिक दीवार है और इसके पीछे पड़ती है ट्रांस हिमालय की एक अलग ही दुनिया। अब इन दोनों क्षेत्रों का यही विस्तार और ऊंचाई कई विसंगतियों का कारण भी बनती है, जो आमतौर पर पृथ्वी की बाकी जगह नहीं पाई जाती। वैसे विसंगतियां तो और भी है, पर आज बात इन दोनों की करेंगे। तो पहले बात पृथ्वी की एक ऐसी जगह की जहां पूरी दुनिया के विपरीत आज भी ग्लेशियर्स कम होने की बजाय बढ़ रहे हैं। दरअसल 1880 से अब तक दुनिया का औसत तापमान 1.17 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है। और वैसे ये बढ़ोतरी शायद इतनी ज्यादा ना लगे, पर अगर इस रेखा चित्र को देखें तो दरअसल 1970 के बाद ही पृथ्वी का तापमान काफी तेजी से बढ़ा है और खासकर सिर्फ पिछले 10 साल तो इस पृथ्वी पर 125 साल के मुकाबले सबसे गर्म वर्ष रहे हैं, जिसका असर साफ दिखता है इस पृथ्वी के बढ़ते हुए समुद्री स्तर में और सिकुड़ते हुए ग्लेशियर्स में भी, एंड जिसका असर हिमालयस में प्रमुखता से देखा जा सकता है, जहां नॉर्थ एंड साउथ पोल्स के बाद पृथ्वी की सबसे बड़ी स्नो डिपॉजिटरी है और इसीलिए इसको इस दुनिया का तीसरा पोल भी बोला जाता है। लेकिन इस हिमालय सिस्टम में एक एरिया ऐसा भी है जो डिफाई कर रहा है इस क्लाइमेट चेंज को। कहां, कैसे और क्यों, ये सब देखेंगे हम आगे। दरअसल पृथ्वी का गर्म और ठंडा होना कोई नई बात नहीं है। इनफैक्ट दुनिया की लास्ट मेजर आइस एज करीब 12,000 साल पहले ही खत्म हुई थी और ऐसा माना जाता है कि उसकी वजह से समुद्र का स्तर अपने उस आइस एज के पीक से 120 मीटर तक ऊपर चला गया था। कालांतर में उस समय की ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए कितना ड्रामेटिक रहा होगा वो कालखंड, ये इसी बात से पता चलता है कि इतनी पुरानी घटना की याद लगभग हर प्राचीन सभ्यता ने अपनी पौराणिक कथाओं के थ्रू आज तक संजो के रखी है। अब वो चाहे वेस्ट में नोहा की कहानी हो या भारत में मनु की। बहरहाल पृथ्वी के गर्म होने के कुछ नेचुरल कॉजेज भी होते हैं, जिनमें प्रमुख है वेरिएशंस इन सोलर एक्टिविटी, अर्थ का सन के अराउंड ऑर्बिट और इसके एक्सेस ऑफ रोटेशन में माइनर चेंजेस का भी पृथ्वी के मौसम पर काफी बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, एंड वॉल्केनिक एक्टिविटी भी इसमें कॉन्ट्रीब्यूट करती है। और इन्हीं वजह से पृथ्वी पर लाखों सालों से ये नेचुरल क्लाइमेटिक साइकिल्स चलती आ रही हैं, जिनको मिलैंकोविच साइकिल्स भी बोला जाता है। पर आज के आधुनिक जमाने में कई ह्यूमन एक्टिविटीज भी इसमें कॉन्ट्रीब्यूट कर रही हैं, जैसे बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, तेजी से जंगलों का साफ करना, कई तरह की इंक्रीज्ड इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज जिन सबसे ग्रीन हाउस गैसेस निकलती हैं, कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू ग्लोबल वार्मिंग। अब किस कॉम्पोनेंट का कितना प्रभाव पृथ्वी के गर्म होने पर पड़ रहा है, इस पर कोई एक राय नहीं है। पर जहां दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग का सबसे साफ असर देखा जा सकता है वो है इस पृथ्वी के ग्लेशियर्स। ग्लेशियर्स दरअसल हजारों सालों की प्रक्रिया से उन स्थानों पर बनते हैं जहां बर्फ पिघलने की तुलना में ज्यादा तेजी से जमा होती है। इनको हम रिवर्स ऑफ आइस भी बोल सकते हैं, जो अपने खुद के वेट और ग्रेविटी की वजह से धीरे धीरे मूव करते हैं। ये ग्लेशियर्स चार मुख्य प्रकार के होते हैं। माउंटेन रीजन्स, पर्टिकुलरली वैलीज में इनको बोला जाता है एल्पाइन ग्लेशियर्स। और जब ये ग्लेशियर्स पहाड़ों की वैलीज से फ्लैट प्लेन्स तक एक्सटेंड करते हैं तो ये कहलाते हैं पिडमॉन्ट ग्लेशियर्स। इसके अलावा होते हैं वास्ट कॉन्टिनेंट साइज ग्लेशियर्स, जो फॉर एग्जाम्पल एंटार्क्टिका
ग्रीनलैंड में मिलते हैं, विच आर ऑल्सो नोन एज आइस शीट्स। और जब ये ग्लेशियर्स सी वाटर तक एक्सटेंड करते हैं तो इनको बोलते हैं टाइड वाटर ग्लेशियर्स। इन ग्लेशियर्स की इम्पोर्टेंस इसी बात से पता चलती है कि दुनिया का 69% फ्रेश वाटर इन्हीं ग्लेशियर्स में स्टोर्ड है, और इन ग्लेशियर्स में सबसे बड़ा है एंटार्क्टिका में 400 किलोमीटर लंबा और 100 किलोमीटर चौड़ा लैम्बर्ट ग्लेशियर, जिसकी थिकनेस कुछ जगहों पर तो 2.5 किलोमीटर तक की है। एंड फॉर रेफरेंस, इंडिया के कई मोस्ट पॉपुलर हिल स्टेशंस जैसे शिमला, मनाली, नैनीताल एक्सेट्रा इससे कम ऑल्टीट्यूड पर लोकेटेड है। वैसे नॉर्थ एंड साउथ पोल्स के बाहर सबसे ज़्यादा ग्लेशियर्स मिलते हैं हिमालय और ट्रांस हिमालयन रीजन में, और इसीलिए इनको दुनिया का तीसरा पोल तक बोला जाता है। और एक माउंटेन रेंज जहाँ आउटसाइड ऑफ पोलर रीजन दुनिया के कुछ सबसे बड़े ग्लेशियर्स पड़ते हैं वो है काराकोरम माउंटेंस। काराकोरम माउंटेंस पड़ते हैं ट्रांस हिमालयन रीजन में और बनाते हैं लद्दाख में भारत का सबसे उत्तरी छोर। दरअसल लाखों साल पहले जब इंडियन और तिब्बतन प्लेट्स आपस में टकराई थी तो आफ्टर अ लॉन्ग एंड कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस, अगर सिंपल लैंग्वेज में समराइज करूँ तो मोस्टली ऑन द इंडियन प्लेट बनी थी हिमालय पर्वत श्रृंखला, जिसमें आती हैं शिवालिक्स, मिडिल हिमालयाज एंड ग्रेटर हिमालयाज माउंटेन रेंजेस, और मोस्टली ऑन द तिब्बतन प्लेट पड़ती है ट्रांस हिमालयन रेंजेस, जिसमें आती हैं संस्कार रेंज, लद्दाख रेंज, कैलाश रेंज और काराकोरम रेंज। ये रेंज भारत के अलावा आज के पाकिस्तान और चीन तक एक्सटेंड करती है। ऑल्टीट्यूड के हिसाब से ग्रेटर हिमालयन रेंज के बाद दुनिया की सबसे ऊंची रेंज काराकोरम रेंज को ही बोला जा सकता है, इस यहाँ पड़ती हैं 4-8000 मीटर से ऊंची पीक्स और दुनिया के कई सबसे बड़े नॉन पोलर ग्लेशियर्स भी। इंडिया की 10 सबसे ऊंची चोटियों में से 6 काराकोरम रेंज में ही पड़ती हैं, और यही वो रेंज है जिसके एक भाग पर बाकी दुनिया के विपरीत क्लाइमेट चेंज का असर एपरेंटली नहीं दिखता। इस यहाँ के कई ग्लेशियर्स का साइज अनलाइक इन अदर प्लेसेस ऑफ द वर्ल्ड एक्चुअली थोड़ा बढ़ रहा है, पर ऐसा क्यों, क्या खास है इस रीजन में या इस माउंटेन रेंज में? दरअसल काराकोरम माउंटेन रेंज को हम 3 मुख्य भाग में बांट सकते हैं, और मेनली इसके सेंट्रल और वेस्टर्न भाग में जो ग्लेशियर्स हैं उनका साइज ओवर द ईयर्स थोड़ा इंक्रीज हो रहा है। सो अगर हम 1990 से देखें तो काराकोरम के सेंट्रल भाग में ग्लेशियर्स 0.65% और ईस्टर्न भाग में 1.26% से बड़े हैं, जबकि इसके कंपैरिजन में इंडिया का दूसरा बड़ा ग्लेशियर गंगोत्री, जो कि लगभग 30 किलोमीटर लंबा है, वो इन 30 सालों में करीब 1.5% पीछे गया है। अब इनके वॉल्यूम लॉस और गेन के एस्टिमेट्स बहुत वाइड हैं डिपेंडिंग अपॉन द सोर्स वन यूजेस, पर बहरहाल इट गिव्स अस सम आइडिया ऑफ द एनोमली। पर आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? गहन शोध के बाद जियोलॉजिस्ट एंड ओरोलॉजिस्ट इसकी 3 वजह देते हैं। एक तो इस माउंटेन रेंज का एक्सट्रीम रिलीफ, पहाड़ों में रिलीफ होता है द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द माउंटेन्स हाईएस्ट एंड लोएस्ट पॉइंट्स इन दैट एरिया। तो भले ही ग्रेटर हिमालयन रेंज में 10-8000 मीटर से ऊंची पीक्स हों वर्सेस 4 इन द काराकोरम माउंटेन्स, पर एवरेज ऑल्टीट्यूड एंड टोपोग्राफिक रिलीफ ऑफ काराकोरम माउंटेन्स इज हायर देन ग्रेटर हिमालयन रेंज। और इसी से 2 कारण बनते हैं जो कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं टूवर्ड्स द इंक्रीजिंग ग्लेशियर साइज। एक तो हायर रिलीफ एंड रिलेटिवली ज़्यादा लैटिट्यूड की वजह से यही काराकोरम माउंटेन्स ग्लेशिएटेड वैलीज पर लॉन्ग शेडोज कास्ट करते हैं, जिससे ये ग्लेशियर सूरज की गर्मी से थोड़ा कम मेल्ट करते हैं। दूसरा, इसी एक्सट्रीम रिलीफ एंड स्टीप स्लोप्स की वजह से इन पहाड़ों पर इरोशन प्रोसेस भी थोड़ा ज़्यादा होता है, लीडिंग टू सिग्निफिकेंट डेब्रीज जो इन ग्लेशियर्स पर डिपॉजिट होती है, अगेन प्रोटेक्टिंग देम फ्रॉम द सनलाइट। और तीसरा, यहाँ पर एक लोकलाइज्ड क्लाइमेट जिसको कुछ रिसर्चर्स समर वोर्टेक्स भी बोलते हैं पाया गया है, विच इंड्यूसेस एन एनोमलस कूलिंग इफेक्ट इन समर्स विद इन दीज माउंटेन्स, अगेन प्रोटेक्टिंग द ग्लेशियर्स फ्रॉम एक्सेसिव मेल्टिंग। ये सब वजह मिलकर इस रीजन के ग्लेशियर्स को दुनिया भर में ग्लोबल वार्मिंग की वजह से सिकुड़ते ग्लेशियर्स के अगेंस्ट एक एनोमली बनाती है। पर ग्लेशियर्स का इंक्रीज होना ही इस काराकोरम रीजन की एक मेजर एनोमली नहीं है, दूसरी एनोमली है दैट ऑफ द मिसिंग मास, टाइम फ्लो और ग्रेविटी होल की।
अब वैसे हम में से ज्यादातर लोग सर आइज़ैक न्यूटन के ग्रेविटी के सिद्धांत को तो जानते ही होंगे, जिसके अनुसार गुरुत्वाकर्षण या फोर्स ऑफ ग्रेविटी डिपेंड करती है दो बॉडीज के मास और उनके बीच के डिस्टेंस के ऊपर। पर इसको कैलकुलेट करते हुए हम शेल थ्योरम का इस्तेमाल करते हैं और एक बहुत ही क्रिटिकल अजम्पशन करते हैं, जिसमें हम मान लेते हैं कि पृथ्वी एक सिमेट्रिकल स्फीयर है, पर वास्तव में ऐसा है नहीं। पहले तो पृथ्वी इक्वेटर पर थोड़ी फैली हुई है और पोल्स पर थोड़ी चपटी है, जिससे ग्रेविटी इक्वेटर पर कम और पोल्स पर थोड़ी ज्यादा होती है। इसी तरह पहाड़ों के हाई ऑल्टीट्यूड पर क्योंकि हम पृथ्वी के सेंटर से दूर जाते हैं तो ग्रेविटी कम होने लगती है। पर इसको कैलकुलेट करते टाइम ये अज्यूम किया जाता है कि आप हवा में खड़े हैं, तो इसीलिए इसको फ्री टू एयर करेक्शन बोला जाता है। अब ज्यादा टेक्निकल डिटेल्स में ना जाकर आप ये समझिए कि वास्तव में आप पहाड़ के ऊपर खड़े हैं, जिसका अपना खुद का एक मास होता है। तो इसीलिए इस ग्रेविटी में एक बुगर करेक्शन वापस ऐड की जाती है और कुछ टेरेन करेक्शन सब्ट्रैक्ट की जाती है। लेकिन हिमालय के कुछ भाग, खासकर ट्रांस हिमालयन रीजन के, इस मामले में अलग है कि वहां ग्रेविटी इस कैलकुलेट वैल्यू से काफी कम है। वैसे टेक्निकली इसको नेगेटिव बुगर एनोमली भी बोलते हैं। असेंशली हिमालय के कुछ भाग में, खासकर ट्रांस हिमालय के इसी काराकोरम रीजन में, ग्रेविटी प्लेन्स के मुकाबले काफी कम है। दरअसल इसे हम और बेहतर समझ सकते हैं आर्किमिडीज के फ्लोटिंग प्रिंसिपल के थ्रू। मान लो एक आइस के ब्लॉक को पानी में डाल दिया जाए। अब सिंस आइस की डेंसिटी लिक्विड वाटर से कम है, तो आइस इस पर फ्लोट तो करेगी, पर इसका कुछ भाग पानी के अंदर फिर भी जाएगा। कितना अंदर जाएगा ये डिपेंड करता है आइस और वाटर के डेंसिटी डिफरेंस और आइस क्यूब की हाइट पर। तो इस केस में आइस की डेंसिटी है 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और वाटर की 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो 10 सेंटीमीटर के आइस ब्लॉक में से 1 सेंटीमीटर ही पानी के ऊपर होगा और बाकी पानी के नीचे। यही वजह है कि आइसबर्ग्स का कहीं ज्यादा हिस्सा पानी के नीचे होता है और तभी कहावत निकली है टिप ऑफ द आइसबर्ग। पर इसका हमारे माउंटेन से क्या लेना देना। एक्चुअली हमारी कॉन्टिनेंटल प्लेट्स भी फ्लोट कर रही हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि वो मोल्टन मेंटल पर फ्लोट कर रही हैं और इन कॉन्टिनेंटल प्लेट्स की डेंसिटीज ऑन एन एवरेज है बिटवीन 2.8 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब टू 3.3 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब। अब माउंटेन्स भी इन्हीं कॉन्टिनेंटल प्लेट्स का पार्ट होते हैं एंड इनफैक्ट इनसे ही बने होते हैं। तो अभी डिस्कस कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए एक लगभग 5 किलोमीटर या 5000 मीटर के पहाड़ का लगभग 28 किलोमीटर मेंटल के अंदर होता है। अब सिंपलिस्टिकली समझे तो एसेंशियली पहाड़ बनते टाइम कॉन्टिनेंटल प्लेट का मास एक लार्जर वॉल्यूम में डिवाइड हो गया, तो इसीलिए माउंटेन्स पर डेंसिटी रिलेटिवली कम होती है कंपेयर टू प्लेन्स। एंड ट्रांस हिमालयस स्पेशली काराकोरम रीजन के इस भाग में ये चीज और भी एम्पलीफाई हो जाती है, एस तिब्बतन या यूरेशियन प्लेट की डेंसिटी वैसे भी इंडियन कॉन्टिनेंटल प्लेट से काफी कम है। एंड जैसे कि हमने पहले देखा था, एवरेज ऑल्टीट्यूड एंड टॉपोग्राफिकल रिलीफ ग्रेटर हिमालयन रेंज से भी ज्यादा है एंड इसका इम्पैक्ट हमें कई जगह देखने को मिलता है। पहले तो सेम ऑल्टीट्यूड पर अगर कंपेयर करेंगे तो ट्रांस हिमालयन रीजन जैसे नॉर्थ लद्दाख में एटमॉस्फेयर लेस डेंस होगा कंपेयर टू लार्ज पार्ट्स ऑफ हिमालयन रीजन। तो इसीलिए तिब्बतन प्लेट में हमें ऑक्सीजन की कमी एंड कॉन्सिक्वेंटली ऑल्टीट्यूड सिकनेस के चांसेस ज्यादा होंगे कंपेयर टू लार्ज पार्ट्स ऑफ हिमाचल एंड उत्तराखंड। ऑफ कोर्स ट्री लाइन की एब्सेंस ऑन द तिब्बतन प्लेट इस चीज को और एम्पलीफाई करती है। दूसरा, आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अकॉर्डिंग इन सिंपल लैंग्वेज ज्यादा ग्रेविटी से टाइम ऑल्सो स्लोज डाउन, तो इसीलिए तिब्बतन प्लेट पर ड्यू टू लेस ग्रेविटी टाइम थोड़ा फास्ट चलेगा कंपेयर टू प्लेन्स। मतलब एक इंसान थोड़ी ज्यादा तेजी से एज करता है यहाँ पर, बट ऑफ कोर्स ओवर द लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल ये इम्पैक्ट बहुत ही मिनिमल होता है। वैसे डेंसिटी डिफरेंस ऑफ द प्लेट्स की वजह से जो ग्रेविटी डिफरेंस जनरेट होता है उसका इम्पैक्ट हिमालय में ही नहीं बल्कि इंडियन ओशन तक में भी दिखाई देता है।
जहां समुद्र का स्तर एवरेज के मुकाबले कम है, जो कि एक पॉइंट पर तो 100 मीटर तक कम है। पर ये डिस्कशन कभी और। अभी आप इस एनोमली से भरे हुए भारत के नॉर्थन मोस्ट एंड यूनिक काराकोरम रीजन की जर्नी देख सकते हैं इस वीडियो में। नेक्स्ट।